Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to continue with the methods of asexual reproduction, जिसमें हम लोग sixth method पे पहुँच चुके हैं, vegetative propagation. ठीक है, vegetative propagation, we know कि एक plant के पास दो part होता है, vegetative part और reproductive part. ठीक है, write it down in a comment section that who is or which is the reproductive part of flower. Okay, now vegetative propagation में क्या होगा, जब हम लोग एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो खैर बात होगी नहीं, तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट से कुछ अगर न्यू बन रहा है, ठीक है, जो कुछ अगर न्यू बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. मतलब फ्लावर को छोड़ के जितना भी है, स्टेम है, हमारा लीफ है, रूट है, ठीक है, इन सब चीज़ों से अगर कोई न्यू प्लांट बन जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरली कुछ चीज़ होता है, मतलब नेम से पता चल रहा भाई साहब कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होगा और आर्टिफिशियल क्या होगा. तो इसमें मैं अगेन आई एम गोइंग टू से यू, इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू लर्न द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल यहाँ जितने का भी मैं अभी एग्जाम्पल बताऊँगी लिखाऊँगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. और इसमें से एक प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन भी आ रखा है, आई डोंट नो ऑफ विच ईयर, बट एक था, वो भी मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक होता है रनर. हाँ, ये सब डिटेल में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड रूट, मॉडिफाइड रूट एंड ऑल, बहुत कुछ हम लोग क्लास 11 में बहुत डीप स्टडीज में किए हुए. तो देख रहे हो 11 और 12 कैसे लिंक हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल ये वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो कोई कहा नहीं जा सकता है कि भाई साहब ये 11 का ये 12 का है. एग्जाम्पल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो रनर का एग्जाम्पल होता है, रनर देखो इस तरह से ग्रोथ होता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, मतलब सपोज जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, इसी का एक जो स्टेम है वो नीचे की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ से एक स्टेम बन जाता है, तो इसको रनर कहते हैं, मतलब ये दौड़ता हुआ दिखता है. ठीक है, तो इसको रनर कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल होता है ग्रास. ठीक है, इनफैक्ट एक प्लांट भी ऐसा शो करता है, डैट इज़ दहेलिया. तो इसके एग्जाम्पल में लोग लिख लेते हैं क्या, ग्रास और दहेलिया. ठीक है, नाउ राइजोम. राइजोम का एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर. ठीक है, और टर्मरिक. राइजोम का डिटेल में हम लोग क्लास 11 में, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑफ राइजोम, सबका हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं क्लास 11 में. सो अभी इसमें जो हमें इम्पॉर्टेंट है हम इस चैप्टर के, इस क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे. सो राइजोम का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास जिंजर, टर्मरिक. टर्मरिक क्या, हल्दी. ठीक है, टर्मरिक, आई डोंट नो स्पेलिंग, टर्मरिक, आई डोंट नो गाइस स्पेलिंग, आप लोग एक बार चेक कर लेना. सकर का एग्जाम्पल है पोटैटो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं. सॉरी, सकर का नया एग्जाम्पल है गाइस, आई एम सो सॉरी, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, सकर का एग्जाम्पल है मिंट. देखो याद करने का तरीका बता दूँ कि दौड़ता हुआ हम लोग किस पे दौड़ते हैं, ग्रास पे, घास पे, तो रनर का एग्जाम्पल ग्रास तो याद रहेगा एटलीस्ट. ठीक है, दहेलिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कि सपोज याद करो कि एक मैदान है जहाँ पे दहेलिया का फूल उग रहा है और हम लोग घास पे दौड़ रहे थे. ठीक है, तो रनर का ऐसे याद हो जाएगा. राइजोम का कैसे करोगे, राइजोम का तो मुझे पता नहीं क्यों याद है जिंजर और टर्मरिक. राइजोम, जिंजर, टर्मरिक देख लेना, अगर और कोई ट्रिक मिला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, सो डैट अदर गेट बेनिफिशियल. सकर, मिंट. मिंट ना, मिंट बहुत करवा सा, मतलब फ्रेशनेस था, फ्रेशनेस के लिए होता है मिंट, अजीब सा उसका टेस्ट होता है, तो उसको हम लोग सक किए तो बहुत अजीब सा टेस्ट आया, तो किसको सक किए थे हम लोग, मिंट को, सकर. ठीक है, हम लोग खा नहीं पाए थे मिंट को, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग सक करके देखे थे, तो मिंट का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था. तो इस तरह से हम लोग सकर का मिंट याद कर सकते हैं. ट्यूबर, भाई साहब ट्यूब, मोटा सा, ठीक है, मोटू सा ट्यूब से हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि ट्यूब को है मोटू सा, तो मोटू क्या होता है भाई, पोटैटो होता है. बल्ब, बल्ब के शेप का ही होता है. ठीक है, बल्ब इस तरह का, इस तरह का शेप का मान लो, ठीक है, मतलब ओवल शेप, तो इस तरह का शेप. और ओ, इसका एग्जांपल है हमारे पास
अनियन, ठीक है, बल्ब का एग्जांपल है हमारे पास अनियन, मतलब इस तरह का शेप है, बल्ब के तरह शेप का है, ठीक है। कॉर्न का एग्जांपल है ओल, कॉर्न ओल, मान लो कैसे याद करोगे, कॉर्न खाए तुमको उल्टी सा लगने लगा, पता नहीं, आई डोंट नो, ओल का एग्जांपल तो मुझे याद है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। ऑफसेट, ऑफसेट वाटर हायसिंथ, इसका बहुत मस्त ट्रिक है हमारे पास, वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ क्या है, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वाटर हायसिंथ क्या है, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल में ये इतनी बुरी तरह से फैल गया था जिसके वजह से एक्वेटिक प्लांट को, एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये वाटर हायसिंथ, इसके वजह से क्या हुआ, सैडनेस आया, ऑफ सेट, सेट को थोड़ा सा मतलब ऑफसेट है यार, आम अपसेट राइट नाउ, ठीक है, तो हम मतलब अपसेट सैड का होता है, तो ऑफसेट से याद रखेंगे, वाटर हायसिंथ टेरर ऑफ बंगाल, टेरर तो था भाई साहब बंगाल का, लेकिन ये दुखी किया ना प्लांट को, मतलब एक्वेटिक लाइफ लाइफस्टाइल को दुखी किया, जिसके वजह से टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में वैसे भी लोगों को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा, कहीं भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है तो ह्यूमन भी इफेक्ट होता है, वी नो राइट, कोरोना एग्जांपल है। सो ऑफसेट अपसेट था, वाटर हायसिंथ के कारण हम लोग अपसेट हो गए। नाउ ये जो बल्बिस है वो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है, ठीक है, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नीट कि बल्बिस के एग्जांपल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ बल्बिस, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर, बट बल्बिस का एग्जांपल आया था, तो बल्बिस का एग्जांपल होता है अगेव, ठीक है, बल्बिस अगेव। गाइज अगर इसका और एग्जांपल चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे पास तुमको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा मेरा, सो उसमें और है तो और आप देख सकते हो। सो बल्बिस का अगेव, बल्बिस अगेव, बल्बिस अगेव, बल्बिस अगेव 100 बार लिख लो कॉपी पे, मतलब 100 नहीं, मतलब जितनी बार हो सके लिख लो, सो डैट तुम्हें याद रहे नहीं, हाँ ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। सो अब इसका सेकेंड पार्ट है, नेचुरल वाला ख़त्म हो गया, नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में तीन ही हमें पढ़ना है, कटिंग, लेयरिंग और ड्राफ्टिंग, जिसमें से हम लोग जानते हैं, मतलब ये वैसे भी फर्स्ट चैप्टर बस एक एग्जांपल का इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के लिए इंपॉर्टेंट है। कटिंग मतलब एक प्लांट का, हमें फ्लावर तो कट करना नहीं है, क्या कट कर सकते हैं, स्टेम कट कर सकते हैं, लीफ कट कर सकते हैं, और मतलब फ्लावर को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के, जितना भी मतलब हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है उससे होना, ठीक है। तो कटिंग जैसे कि हम लोग रोज प्लांट में, ये हम लोग प्रैक्टिकली करे हुए, और नहीं किए तो गो डू एक क्या बोलते हैं, कहीं गए, ठीक है, वहाँ पे एक रोज़ प्लांट है, गाइस बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, मुझे पता था, ये सपोज एक रोज़ प्लांट है, खैर है तो नहीं, ऐसा बनाते थे ना हम लोग बचपन में, हैं सपोज़ ये रोज़ प्लांट है, इसके स्टेम को कट कर लिया गया, ठीक है, और दूसरे जगह इसको प्लांट कर दिया गया, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ से और सारे रोज़ भी उग गए, ठीक है, तो इसको कटिंग कहते हैं। और रोज़ के बारे में तो सब कोई जानता है, बट एक और इसके एग्जांपल होता है ऑरेंज, यस गाइस, ऑरेंज के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, तो कटिंग के एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन, रोज़ एंड ऑरेंज, ठीक है। नाउ लेयरिंग मतलब क्या करते हैं, एक मतलब एक लेयर जैसा बना देते हैं, ठीक है, लेयरिंग प्रोपागेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक एग्जांपल में आता है जैस्मिन, जैस्मिन एंड ब्लूबेरी, ठीक है, ये दो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सॉरी जैस्मिन का स्पेलिंग देखो क्या लिख दिया मैंने, जैस्मिन, ठीक है, जैस्मिन और ब्लूबेरी एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है कि लेयरिंग किया जाता है उसका, ठीक है, लेयरिंग किया जाता है, और ड्राफ्टिंग ये सब हम लोग जानते हैं, इसमें डिटेल में हमें सब कुछ पता है, बस अभी हमें एक बार समझो कि रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, तो एग्जांपल रिवाइज करना फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नाउ ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक प्लांट को, एक प्लांट का एक लेयर और दूसरे प्लांट का एक लेयर को ड्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक प्लांट और दो प्लांट को समझो कि मिला दिया जाता है, एक के ऊपर एक दूसरा, ठीक है, एक के ऊपर एक दूसरा कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग के एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास
मैंगो, शुगर केन, शुगर केन। और मेक श्योर ना कि ये सब ना थोड़ा कटिंग और ड्राफ्टिंग वाले सिस्टम में टिल्ट होता है, ठीक है। टिल्ट कटता भी है और टिल्ट जुड़ता भी है, ठीक है। फिर वहाँ से देखोगे एक न्यू आ जाता है, ठीक है। तो मेन यही एग्जांपल था हमारे पास इंपॉर्टेंट, कटिंग का रोज ऑरेंज, लेयरिंग का जैस्मिन ब्लूबेरी, ड्राफ्टिंग का मैंगो और शुगर केन। सो इसी तरह से हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग टिश्यू कल्चर पे चलेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, क्या है टॉपिक, फिर वो कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।